रूम लॉक और हम निकले हैं रूम से बाहर। ये हमारे रूम का ओपन एरिया। यो लुक, क्या ही अमेजिंग प्रमाइसेस है। आ रहा हूँ, चलो 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 चलो। ऊपर वाले रूम के लिए एक्सेस, मतलब लैविश लाइफ। दिस इज ओपन एरिया फॉर डाइनिंग, इनसाइड भी आप ले सकते। दिस इज अ स्पा एरिया हियर। वाओ, तो जैसा कि डे टू स्टार्ट हो चुका है, सुबह सुबह हम नाश्ता करके अब निकल रहे हैं भाई रिजॉर्ट देखने की, भाई और क्या 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 एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर नहीं हैं, मतलब 1-2% ही लोग बाहर दिख रहे हैं अपने रूम्स के बाहर। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग या तो हमें ब्रेकफास्ट करते टाइम वहाँ पर मिले रूम्स में, अदरवाइज़ लोगों ने लेट नाइट तक पार्टी एंजॉय करी है, लोगों ने पार्टी करी है। तो सुबह ठंड है इसलिए नहीं निकल रहे हैं। हमें था कि भाई चलो किड्स प्ले एरिया में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज चालू हैं। लेट्स सी। हम ये बंजी इंजेक्टर करने जा रहे हैं भाई, हाइट अच्छी खासी है। लेट्स सी, दिखाता हूँ कितना ही ऊंचा है भाई। कैसा फील हो रहा है हवा में? फीलिंग गुड? अटक गई मम्मा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। हाँ, खाने की अगर मैं बात करूँ यार, खाना कंपैरेटिवली, जैसा कि मैं लास्ट ट्रिप जब तरुंदम वैली गया था, तरुंदम वैली के कंपैरिजन में खाना उतना अमेजिंग नहीं था, स्पेशली द डिनर। ब्रेकफास्ट वॉज रियली अमेजिंग, ठीक है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज नाइस। बट मैंने एक फीडबैक दिया इनको, इनकी टीम को, कि भाई जो चेकआउट का टाइम है, चेकआउट में आपका जो बिलिंग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स उसमें इनको लोगों को लग गए, बिकॉज सडनली सारे लोग एक साथ ही चेकआउट कर लेते हैं 12 बजे। तो 5-6 लोग भी अगर रूम से चेकआउट एक साथ हो गया तो ये लोग बिल्कुल पजल हो जाते हैं। तो अभी इन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और 2 एडिशनल काउंटर्स और चेकआउट अभी ये इंक्रीज करने वाले हैं। तो लेट्स सी उसके बाद आए हो, बाकी प्रोसेस होगा।
डेफिनेटली।